हाय, मैं डॉक्टर देवाशीष शर्मा, रीढ़ की हड्डी विशेषज्ञ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू अवॉइड सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी। तो देखिए, सर्वाइकल स्पाइन में क्या होता है कि कभी कभी हमें डिस्क ऐसी होती हैं जो पिंच करती हैं हमारी नर्व रूट्स को। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपनी जीवन शैली पर काम करना चाहिए। आपको गर्दन को इस तरह से यूज़ नहीं करना है जिससे कि आपको ज़्यादा झटका लगे गर्दन में, जैसे जॉगिंग करना, जंपिंग करना, हाई इंपैक्ट एरोबिक्स करना। और जनरली कई सारे हमारे देहात में या गांव में इस तरह से होता है कि लोग बाग सर पर सामान ढोते हैं, तो सर पर सामान लेके जाना हैवी, ये सारे काम आपको पूरी तरह से बंद कर देने चाहिए। ज़्यादा देर ऐसे झुक कर काम करना भी आपके लिए ठीक नहीं है। ये सारे काम आप करेंगे तो आपकी गर्दन पे अगर जोर नहीं पड़ेगा तो जो डिस्क है जो ऑलरेडी ख़राब हो रही है वो और नहीं बिगड़ेगी। अदरवाइज अगर उस पर और जोर पड़ेगा तो वो बाहर निकल सकती है और हमारी नर्व को पकड़ सकती है और उससे हाथों में दर्द आ सकता है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपको फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर्स और एक्यूपंक्चरिस्ट का सहारा ले सकते हैं। ये सारे लोग नॉन सर्जिकल ब्रांचेस के होते हैं और ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपको बता सकते हैं कि आप किस तरह से बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, आपको रेस्ट देना चाहिए अपनी बॉडी को, आपको टाइम देना चाहिए अपनी बॉडी को रिकवर करने का। अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क होती है या सर्वाइकल स्पाइन की जो डिस्क होती हैं वो 90% केसेस में हमेशा अपने आप ठीक हो जाती हैं, बस उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। कभी कभी ये टाइम कम होता है, जैसे 4 से 6 हफ्ते, कभी कभी ये टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। पर आपको टाइम देना चाहिए, एक्टिविटी कम करनी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। आपको मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं तो आप अपने स्पाइन डॉक्टर से मिलके आप दवाइयाँ ले सकते हैं। कई सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको ये रिजर्वेशन होता है कि सर हम पेन किलर नहीं लेंगे। पर देखिए, अगर आप पेन किलर नहीं लेंगे तो आपका पेन बना रहेगा और आपको रात को आपको नींद नहीं आएगी, दिन में आपको अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी पेशेंट्स को चक्कर आते हैं, कभी कभी पेशेंट के राइट या लेफ्ट आर्म्स में यहाँ तक पेन आता है, कभी कभी आपके हाथों में सुन्नाहट आ सकती है, चींटियाँ काट सकती हैं आपके हाथों से। अगर आप कोई चीज़ पकड़ते हैं तो हो सकता है वो छूट जाए, या आप हल्का काम करें तो आपके हाथ हिलें, तो फाइन काम करने में आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि उनके हाथों में पसीना ज़्यादा आता है, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर एडवांस्ड केस है सर्वाइकल स्पाइन का तो लोगों को पैरों में भी सिम्टम आने लगते हैं, जिससे कि पैरों में वीकनेस आने लगती है, पैरों में अपने आप झटके लगने लगते हैं या लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत आने लगती है। अगर आपको एडवांस्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, हाथों में वीकनेस आ रही है, तो हो सकता है आपको सर्जरी ही करवानी पड़े। पर इसके लिए आपको सलाह लेनी चाहिए अपने डॉक्टर से। पर 90% केसेस में इसका इलाज बिना सर्जरी के संभव है, प्रोवाइडेड आप सही सलाह लें, अपने स्पाइन डॉक्टर से मिलें और डिटेल में इसके बारे में इवैल्यूएट करें। सबसे ज़रूरी बात है सही इन्फॉर्मेशन आपके पास होना। अगर आपके पास सही जानकारी होगी तो आप सर्जरी से ना ही केवल बच सकते हैं बट औरों को भी बचा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली होगी। और यदि आपके कोई सवाल बचते हैं, आपके मन में कोई डाउट है, आपके पास कोई MRI है अपना या अपने किसी नियर बाय रिलेटिव का, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो टीम है आपको पूरी जानकारी देने के लिए तत्पर है और आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी। Thank you very much. Have a good day.